बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ मोहसिन अली सुमरो। अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ लेक्चर नंबर 2 ऑफ इलेक्ट्रो डायनामिक्स पार्ट 2 ऑफ 6th सेमेस्टर। आई हैव मेड अ नोट सम शॉर्ट फॉर ऑल ऑफ यू सो दैट वी कैन ईजीली अंडरस्टैंड एंड आई कैन ईजीली एक्सप्लेन द लेक्चर। This is a 6th semester syllabus subject electrodynamics part 2 that is studied in Institute of Physics, University of Sindh, Jamshoro. And these all the lectures are done by me on my YouTube channel Mohsin Ali Sumro. What we have to study today is to study the chapters that are related in the 6th semester. So the basics of this chapter that are related in the 6th semester we will study in this lecture number 2. Assalamu alaikum again to all of you. Aaj hum is chapter number magnetism section aur electromagnetism section ka jo hai na lecture number 2 start kar rahe hain aur hum is lecture number 2 mein aaj study karenge ke कौन कौन से चैप्टर्स हमारे सिलेबस में आ रहे हैं और कौन कौन से जो है ना चैप्टर्स हमें स्टडी करने हैं। तो आज हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि चैप्टर नंबर 4 या चैप्टर नंबर 5 जो भी टीचर ने आपको सब्जेक्ट रिकमेंड कराई है तो उसके जो भी टॉपिक्स हैं सीरीज़ में आज हम कोशिश करेंगे कि स्टडी कर सकें। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स पार्ट 2 6th सेमेस्टर। एंड मेरे ख्याल से ये शायद चैप्टर नंबर 4 या चैप्टर नंबर 5 है जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स का बुक रिकमेंड है उसका जो चैप्टर है मैग्नीटोस्टैटिक्स। ठीक, तो हम इस मैग्नीटोस्टैटिक्स में इस सबसे पहले स्टडी करेंगे। जैसे कि मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको बताया कि मैग्नेटिज्म बेसिकली ए ब्रांच ऑफ फिज़िक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैग्नेट एंड इट्स इफ़ेक्ट्स। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ कि ए ब्रांच ऑफ फिज़िक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैग्नेट एंड इट्स इफ़ेक्ट्स। फिज़िक्स की एक ऐसी ब्रांच जो मैग्नेट और उसके इफ़ेक्ट्स को स्टडी करवाए उसको जो है ना हम मैग्नेटिज्म कहते हैं। यानी कि हम सारे के सारे इफ़ेक्ट्स मैग्नेट के बारे में स्टडी करें और हम इसके बिहेवियर के बारे में स्टडी करें कि आखिर ये जो मैग्नेट है किस तरह से बिहेव कर रहा है और इस मैग्नेट के कौन कौन से इफ़ेक्ट्स हैं जो हमें स्टडी करने हैं। तो ऐसी ऐसी ब्रांच को जो है ना हम कहते हैं मैग्नेटिज्म। अच्छा, अब हम अगर मैग्नेट की बात कर लें तो मैग्नेट बेसिकली है क्या हमारे पास? तो ज़ाहिर सी बात है, जैसे कि मैंने लेक्चर नंबर 1 में बताया कि मैग्नेट इज़ नथिंग बट इट इज़ जस्ट अ पीस ऑफ मटेरियल। ये किसी भी एक स्टोन मटेरियल का जो है ना एक पीस है जो अट्रैक्शन या रिपल्जन बताता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट रिपेल्स द फीरियस ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ आयरन। फीरियस लव्स जो है ना वो यूज़ होता है जो मटीरियल्स आयरन के बने हुए होते हैं उनके लिए जो है ना ये लफ्ज़ यूज़ होता है फीरियस। सो बेसिकली मैग्नेट इज़ जस्ट अ पीस ऑफ मटेरियल दैट अट्रैक्ट्स और द रिपल्स टू द फीरियस ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको बताया कि मैग्नेट कैसे डिस्कवर हुआ था और किस तरह से जो है ना मैग्नेट की डिस्कवर होने के बाद इसके कैसे कैसे फैक्ट्स शो हुए थे वो जो है ना मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कराए थे। उसमें मैंने आपको बताया था कि एक एक्स वाला आदमी था जो किसी माउंटेन पे, उसके हाथ में एक एक्स थी, वो जो है ना उसने किसी स्टोन के ऊपर रख ली और कुछ देर के बाद जब वो वहाँ से उठा तो उन्होंने ना एक्स को उठाने की या एक्स को पकड़ने के बाद जो है ना उसने ये देखा कि वो एक्स स्टोन से जो है ना अट्रैक्ट हुई है और वो एक्स जो है ना स्टोन से बाहर निकल नहीं पा रही थी क्योंकि वो स्टोन एक्स के जो आयरन के मटेरियल बना हुआ था उसको जो है ना अट्रैक्ट कर पा रही थी। तो उन्होंने सबसे पहले ये देखा कि आखिर ये स्टोन इस एक्स के आयरन के मटेरियल को कैसे अट्रैक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले वो जो है ना वहाँ पे एक स्टोन मिला था, एक पत्थर मिला था जिसको लोड स्टोन का नाम दिया गया
और उसके बाद जो है ना ये पत्थर एक इलाके में या जो रीजन था जहाँ पे जो है ना ये डिस्कवर हुआ था उसको मैग्नीशिया इलाका कहते हैं। वो जो है ना वहाँ पे एक सिटी था जिसका नाम मैग्नीशिया था। तो उस मैग्नीशिया सिटी के बेसिस पे इस लोड स्टोन यानी पत्थर को जो है ना मैग्नेट का नाम दिया गया था। सो दिस वाज टोटल हिस्ट्री दैट वी हैव स्टडीड इन लेक्चर नंबर 1। तो मैग्नेट बेसिकली एक पीस ऑफ मटेरियल है जो अट्रैक्शन और रिपल्जन। अभी तक हमें ये पता है कि अगर कोई परमानेंट मैग्नेट अगर हम किसी आयरन के साथ अटैच कर लें तो वो जाहिर सी बात है उसको अट्रैक्ट कर लेगा, पर ये रिपल्जन वाला किस्सा अभी तक हमने पढ़ा नहीं। आगे हम पढ़ेंगे कि अट्रैक्ट ये जो मैग्नेट है इसमें रिपल्जन भी होती है, वो कैसे होती है वो जो है ना हम बाद में स्टडी कर लेंगे। अच्छा, मैग्नेट के जो है ना टाइप्स, जैसे कि मैग्नेट जब ही डिस्कवर हुआ था मैग्नेट, तो मैग्नेट के डिस्कवर होने से जैसे कि कोई भी स्टोन होता है तो वो इरेग्युलर होता है, उसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती। तो उस स्टोन को जो है ना काट काट के या ऐसे कर कहें कि कट करके जो है ना उस मैग्नेट को या उस स्टोन को जो है ना दो तीन शेप्स दिए गए हैं जिनको उसके टाइप्स कहा जाता है। जैसे कि एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ मैग्नेट जो है उसको हमें बार मैग्नेट कहते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ये शो हो रहा है कि ये सपोज़ करें कि एक परमानेंट मैग्नेट है, ये बिल्कुल इसी तरह से होता है एक रेक्टेंगुलर, इसको जो है ना हम बार मैग्नेट कहते हैं। एक ये जो है ना हमारे पास मैग्नेट मिलता है जो रेक्टेंगुलर जो है ना फॉर्म में मिलता है हमें। अच्छा, दूसरा होता है हॉर्स शू मैग्नेट जिसको यू शेप्ड मैग्नेट कहते हैं। अब इसी स्टोन को जो है ना पत्थर को एक यू शेप्ड टाइप जो है ना हमने कट कर लिया है और हमें एक स्टोन मिल रहा है जिसको हम हॉर्स शू मैग्नेट कहते हैं या उसको यू शेप्ड मैग्नेट कहते हैं। मकसद ये कि दूसरा है नीडल टाइप मैग्नेट, ठीक है, ये बिल्कुल इसमें एक एरो लगा हुआ होता है जो एक नीडल का काम करता है। मकसद कहना का ये कि ये जो तीन शेप्स हम मिल रहे हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म या यू शेप या एरो टाइप जिसको हमने बार मैग्नेट या हॉर्स शू मैग्नेट या नीडल टाइप मैग्नेट कहा है, तो ये जो तीनों शेप्स मिल रहे हैं ये हमने खुद ही बनाए हैं। और अच्छा, एक क्वेश्चन ये होता है कि ये जो तीनों मैग्नेट्स हैं जो हमने बनाए हैं तो इन तीनों मैग्नेट्स की जो फंक्शन है वो क्या है डिफरेंट पर्पज़ के लिए। तो ऑब्वियसली बार मैग्नेट एक अलग पर्पज़ के लिए यूज़ होता है और इनके अलावा हॉर्स शू मैग्नेट का भी एक पर्पज़ है और इनके अलावा जो है ना नीडल टाइप मैग्नेट का भी एक पर्पज़ है। तो ऑब्वियसली ये विदाउट पर्पज़ नहीं यूज़ होते। बार मैग्नेट कहाँ पर यूज़ होता है, हॉर्स शू मैग्नेट कहाँ पर यूज़ होता है या नीडल टाइप मैग्नेट कहाँ पर यूज़ होता है ये हम आगे स्टडी करेंगे। फ़िलहाल हमने ये स्टडी किया कि मैग्नेट एक पीस ऑफ मटेरियल है जो अट्रैक्शन या रिपल्जन दिखाता है किसी भी आयरन या फेरस ऑब्जेक्ट्स को। अच्छा, बेसिकली एक पॉइंट इसमें मैं ऐड कर लूँ जो कि मैंने नहीं लिखी इसमें, वो ये कि मैग्नेट जो है ना वो तीन ऑब्जेक्ट्स को या तीन मटेरियल्स ऐसे देखे गए जिनको जो है ना मैग्नेट अट्रैक्ट करता है। एक है आयरन, दूसरा है कोबाल्ट, तीसरा है निकल। आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये पीरियडिक टेबल में हमारे पास तीन एलिमेंट्स आ जाते हैं जिनको जो है ना मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेता है और इन तीनों मैग्नेट्स को जो है ना हम कहते हैं मैग्नेटिक एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन एलिमेंट्स आ जाते हैं जिनको जो है ना ये मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेता है। अच्छा, तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये तीन मैग्नेट्स हैं। अच्छा, तो ये मैग्नेट्स परमानेंट मैग्नेट हैं यानी कि ये हमेशा के लिए मैग्नेट हैं। ये ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियली कुछ टाइम के लिए मैग्नेट हों, ये हमेशा के लिए ही मैग्नेट हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये होता है कि अगर ये तीनों मैग्नेट हैं तो बकाया जो मटेरियल्स मैग्नेट नहीं हैं तो क्या हम उसमें आर्टिफिशियली मैग्नेटाइज कर सकते हैं, यानी हम कोई एक ऐसा प्रोसेस करें जो वो कुछ टाइम के लिए आर्टिफिशियली मैग्नेट बन जाए, कुछ टाइम के लिए, क्योंकि परमानेंट तो हो नहीं सकता, पर कुछ टाइम के लिए जो है ना वो मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू हो जाए। इसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टर्म मैग्नेटाइजेशन। अब ये जो मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस है इसमें मैंने लिखा है कि ए प्रोसेस इन विच वी मैग्नेटाइज अ मटेरियल, इसका मकसद ये कि इट मीन्स टू अकर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मैग्नेट टू अ मटीरियल दैट इज़ नॉट स्पेशली इट्सेल्फ अ मैग्नेट।
हम उस मटेरियल को मैग्नेटाइज करना चाहते हैं या हम उस मटेरियल को जो है ना मैग्नेट वाली प्रॉपर्टी लाना चाहते हैं, जो खुद मैग्नेट तो है नहीं पर हम कोई एक ऐसा प्रोसेस करें कि वो कुछ टाइम के लिए जो है ना मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू हो जाए, तो ऐसे प्रोसेस को इस कहते हैं मैग्नेटिज्म की लैंग्वेज में मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, ये है मैग्नेटाइजेशन। सो मैग्नेटाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी मटेरियल को जो मैग्नेट ना हो कुछ टाइम के लिए जो है ना मैग्नेट की तरह बिहेव कराएं, तो एक ऐसे प्रोसेस को जो है ना हम कहते हैं मैग्नेटाइजेशन। ठीक, अच्छा, तो मैग्नेटाइजेशन वाला कैसे किया जाता है, ऐसे कौन से प्रोसेस हैं जिनकी वजह से जो है ना कोई भी मटेरियल जो इटसेल्फ मैग्नेट ना हो और वो जो है ना मैग्नेट की तरह बिहेव करे, तो ऐसे हमारे पास तीन प्रोसेस आ जाते हैं। पहला लिखा हुआ है सिंगल टच मेथड, दूसरा लिखा हुआ है डबल टच मेथड, तीसरा लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल मेथड। अब ये मेथड डिस्कस करने से पहले ये नीचे नीचे ना मैंने एक शेप बनाया हुआ है रेक्टेंगुलर, जिसमें मैंने एन और एस लिखा हुआ है। ये बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल को। अच्छा, थोड़ा सा मैं ना इसको डिस्कस कर लेता हूँ कि ये बार मैग्नेट में बेसिकली ये दो डायरेक्शंस कैसे शो हो रही हैं, बाद में जो है ना हम इसके मैग्नेटाइजेशन के टाइप्स को स्टडी कर लेते हैं कि ये सिंगल टच मेथड या डबल टच मेथड या इलेक्ट्रिकल मेथड क्या होता है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे ये बात थोड़ी सी डिस्कस कर लूँ कि जब मैग्नेट डिस्कवर हुआ था तो उस मैग्नेट के पीस ऑफ मटेरियल को एक थ्रेड से लटकाया गया था जिसको कहा जाता था वेल सस्पेंडेड मैग्नेट। सपोज़ करें कि आपके हाथ में कोई मैग्नेट हो और उसको आप अपने थ्रेड से धागे से जो है ना थ्रेड से आप अपने हाथ में पकड़ें और उस मैग्नेट को जो है ना थोड़ा सा हाथ से रोटेट कराएं, तो हमने देखा कि वो मैग्नेट ऑलवेज जो है ना नॉर्थ साउथ वाला डायरेक्शन दिखा रहा था। हमने क्या किया कि इसी मैग्नेट को जो है ना स्ट्रिंग से जो आपने बांधा हुआ है, तो इसी मैग्नेट को जो है ना अगर आप थोड़ा सा हाथ से फिर रोटेट करें तो हमने फिर देखा कि वो जो है ना ऑलवेज नॉर्थ और साउथ पोल डायरेक्शन दिखा रहा होता है। तो हमने ये देखा कि मैग्नेट के पास हमेशा दो पोलैरिटीज़ होती हैं। पोलैरिटीज़ कहते हैं खासियत को, और इनके पास जो है ना दो पोलैरिटीज़ होती हैं, इट मीन्स दो डायरेक्शंस होते हैं। तो इस वजह से मैग्नेट के पास दो डायरेक्शंस होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, दूसरा होता है साउथ पोल, जिसको हम नॉर्थ सीकिंग पोल भी कहते हैं और साउथ सीकिंग पोल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आप अपने जहन में रख लें कि मैग्नेट के पास ऑलवेज दो डायरेक्शंस होते हैं, वो है नॉर्थ पोल और दूसरा है साउथ पोल। अच्छा, तो ये बात जो है ना हमने स्टडी करी। अच्छा, ये जो लास्ट में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखी हुई हैं इनको भी जो है ना थोड़ा सा मैं आपके सामने थोड़ा सा शेयर कर लेता हूँ। अच्छा, अगर कोई बंदा चाहे कि सर ये जो मैग्नेट है कोई भी, आप सपोज़ करें कि ये बार मैग्नेट ही ले लें, कि हम जो है ना इसको सेपरेट करना चाहते हैं कि नॉर्थ पोल अलग हो और साउथ पोल अलग हो, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम किसी भी मैग्नेट में से नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो है ना अलग कर सकें? तो भाई देखें, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से आप अलग नहीं कर सकते। अगर आप किसी भी चीज़ से इस मैग्नेट को कट कर लें और आप कहें कि भाई नॉर्थ पोल जो है ना अलग हो जाएगा और साउथ पोल अलग हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने देखा कि वो जो है ना अगर आप उनको अलग करेंगे तो वो पीस, यानी कि आप कहें कि साउथ अलग हो जाए और नॉर्थ अलग हो जाए, तो जो बचा हुआ पीस है वो खुद में ही अलाइन हो जाता है और खुद में ही जो है ना एक और अलग पोल बना लेता है जिसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं। तो याद करें कि नॉर्थ पोल को हम साउथ पोल से अलग कभी नहीं कर सकते। इसलिए एक कहावत है इस चैप्टर की, कहते हैं कि मैग्नेटिक मोनोपोल इज़ नॉट पॉसिबल। मैंने यहाँ पे नोट लिखा हुआ है बिल्कुल ये, कि मैग्नेटिक मोनोपोल इज़ नॉट पॉसिबल, यानी मैग्नेट का मोनोपोल, मोनो मीन्स सिंगल, हम सिंगल पोल पॉसिबल नहीं है, हम सिंगल पोल नहीं डिटेक्ट कर सकते। हाँ, हम जो है ना दो पोल्स की बात कर सकते हैं, बाकी कोई भी एक सिंगल पोल जो है ना वो हमें नहीं मिल सकता, इसलिए मैग्नेटिक मोनोपोल इज़ नॉट पॉसिबल। हाँ, डायपोल इज़ पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे दो पोल्स यूज़ हो रहे हैं, तो इस वजह से जो है ना मैग्नेटिक डायपोल इज़ पॉसिबल, बट मैग्नेटिक मोनोपोल इज़ नॉट पॉसिबल।
ठीक, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ए मैग्नेट हैज़ टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑलवेज। और यहाँ पे मैंने लास्ट पॉइंट लिखी हुई है कि वी कैन नॉट सेपरेट नॉर्थ पोल फ्रॉम साउथ पोल, हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये, जहाँ पे मैंने लास्ट में एक नोट लिखा हुआ है, वो जो है ना मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ वी कट अ मैग्नेट, अगर हम किसी एक मैग्नेट को कट कर लें और चाहें कि नॉर्थ पोल अलग हो जाए तो साउथ पोल अलग हो जाए, तो हमने देखा कि नॉर्थ पोल साउथ पोल से अलग तो नहीं हो सकता, हाँ, पर आपको दो मैग्नेट्स मिलेंगे। लिखा हुआ है कि देन वी गेट टू मैग्नेट्स, अगर आप किसी एक सिंगल मैग्नेट को जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो दोनों हो, तो अगर आप चाहें तो नॉर्थ पोल को अलग करना चाहें और साउथ पोल को अलग करना चाहें, तो ये बेसिकली हो तो नहीं सकता, पर जब आप कट करेंगे तो ये जो नॉर्थ पोल अलग हो चुका है और साउथ पोल अलग हो चुका है, ये अपने साथ ही खुद अलाइन होकर एक दूसरा पोल बना लेते हैं, यानी कि आपको दो मैग्नेट्स ही मिलेंगे। तो किसी भी मैग्नेट को आप कट करेंगे तो दो मैग्नेट्स आपको मिलेंगे, आप नॉर्थ पोल को साउथ पोल से अलग नहीं कर सकते, इस वजह से इसको कहते हैं कि मैग्नेटिक मोनोपोल इज़ नॉट पॉसिबल। अच्छा, तो ये बात हमने जो है ना डिस्कस कर ली। अब आ जाते हैं हम मैग्नेटाइजेशन के ऊपर, जो मैंने आप सबसे पहले डिस्कस कर लिया कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किसी ऐसे मटेरियल को मैग्नेटाइज करें जो इटसेल्फ मैग्नेट नहीं हो और हम चाहें कि वो कुछ टाइम के लिए मैग्नेट की तरह बिहेव करे, तो ऐसे प्रोसेस को जो है ना हम मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। अच्छा, तो इस मैग्नेटाइजेशन के जो है ना, ये मैंने यहाँ पे कुछ प्रोसेस लिखे हुए हैं कि मैग्नेटाइजेशन कितने टाइप्स की होती हैं, तो जहन में रख लें कि मैग्नेटाइजेशन हमारे पास जो आ जाती है उसके जो है ना तीन प्रोसेस हमारे टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं या हमारे सिलेबस में दिए गए हैं। एक प्रोसेस है सिंगल टच मेथड, दूसरा प्रोसेस है डबल टच मेथड और तीसरा प्रोसेस है इलेक्ट्रिकल मेथड। अच्छा, थोड़ा सा सिंगल टच मेथड के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कि सिंगल टच मेथड है क्या बेसिकली। अच्छा, सपोज़ करें कि आप किसी भी चीज़ को जो है ना मैग्नेटाइज करना चाहते हैं, तो आप उस मटेरियल को क्या करें कि वो आप मटेरियल अपने हाथ में लें और दूसरे हाथ में जो है ना एक बार मैग्नेट ले लें, और बार मैग्नेट का कोई भी एक पोल ले लें, इंक्लाइंड रख के नॉर्थ पोल या साउथ पोल, और वो एक पोल उस मटेरियल के ऊपर रब करें आप कुछ टाइम के लिए। कुछ टाइम के लिए जो है ना आप उस मटेरियल को उस बार मैग्नेट के साथ रब करें, साइकल्स की तरह, एक बार रब किया, दूसरा बार रब किया, तीसरा बार रब किया, फोर्थ बार रब किया, फिफ्थ बार रब किया, तो ऐसे रब करते रहें, और परमानेंट मैग्नेट को का एक पोल जस्ट आप किसी मटेरियल पे जो है ना रब करते रहें, तो कुछ टाइम के बाद जो है ना आप उसको हटा दें और वो मटेरियल जिसको आपने रब किया हुआ है और वो मटेरियल आप किसी आयरन के सामने रखेंगे या किसी और चीज़ के सामने रखेंगे जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट शो हो रहे होते हैं, तो वो जो है ना मटेरियल उसको अट्रैक्ट कर लेता है। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किसी परमानेंट मैग्नेट के जस्ट एक सिंगल पोल को किसी ऐसे मटेरियल के साथ रब कराएं जो इटसेल्फ मैग्नेट ना हो, तो ऐसे प्रोसेस को जो है ना हम कहते हैं सिंगल टच मेथड। अच्छा, अगर आप जो है ना सिंगल पोल टच मेथड, ठीक है, यहाँ पे मैंने पोल नहीं लिखा हुआ, पर इसको कहते हैं सिंगल पोल टच मेथड, ठीक है, तो ये जो है ना हमारे पास बात आ गई कि ये हो गया सिंगल पोल टच मेथड। अच्छा, अगर आप दोनों पोल्स रब करवाएं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों रब करवाएं, फिर भी जो है ना ये मटेरियल कुछ टाइम के लिए मैग्नेटाइज हो जाएगा, तो इसको कहते हैं डबल टच मेथड, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है जस्ट रबिंग के ज़रिए हम जो है ना, जैसे कि हमने इलेक्ट्रोडायनामिक्स पार्ट वन में पढ़ा था कि किसी भी पार्टिकल को अगर हम रब करते हैं तो वो चार्ज हो जाता है, यहाँ पे हम मैग्नेट को किसी ऐसे मटेरियल के साथ रब करते हैं तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है, यानी उसमें कुछ टाइम के लिए मैग्नेट वाले इफेक्ट शो हो रहते हैं। बहरहाल ये याद रख लीजिएगा कि वो जो है ना हमेशा आर्टिफिशियली होते हैं, परमानेंट नहीं होते। अच्छा, तीसरा प्रोसेस दिया गया है इलेक्ट्रिकल मेथड। मैंने फर्स्ट लेक्चर में यह बात आपको बताई थी कि क्रिश्चियन हैंस ऑरस्टेड नेम के एक साइंटिस्ट ने बताया था हमें कि जब भी किसी भी वायर में से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराएंगे तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगे। अगर सपोज़ करें कि किसी वायर में से आप इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करा रहे हैं और उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, और उस मैग्नेटिक फील्ड में आप किसी ऐसे मटेरियल को रख रहे हैं जो इटसेल्फ मैग्नेट ना हो,
तो कुछ टाइम के बाद अगर आप उस मटेरियल को उस मैग्नेटिक फील्ड में रख लेंगे जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा हो वायर में से जो प्रोड्यूस कर रही हो मैग्नेटिक फील्ड को, तो वो मटेरियल जो है ना कुछ टाइम के बाद आप हटा देंगे तो वो मटेरियल कुछ टाइम के बाद मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू हो जाएगा। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल मेथड, ठीक है। तो अच्छा, ये हो गया मैग्नेटाइजेशन के तीन प्रोसेस। एक होती है डीमैग्नेटाइजेशन, ये लास्ट में जो है ना आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि डीमैग्नेटाइजेशन बेसिकली क्या होती है। अच्छा देखें, हमने जो है ना मैग्नेटाइजेशन भी स्टडी कर ली, हमने अब स्टडी कर रहे हैं डीमैग्नेटाइजेशन। अब डीमैग्नेटाइजेशन बेसिकली क्या होती है, डीमैग्नेटाइजेशन में हम इसके रिवर्स करते हैं ना कि अगर कोई परमानेंट मैग्नेट हो, अब आर्टिफिशियल की तो बात नहीं कर रहे हैं, अब कोई परमानेंट मैग्नेट हो और हम चाहते हैं कि हम उसमें से मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ख़त्म कर लें, तो आप कैसे ख़त्म कर लेंगे, ऐसे प्रोसेस को कहते हैं डीमैग्नेटाइज करना। ये जुल्म कर रहे हैं हम परमानेंट मैग्नेट के साथ कि हम कुछ ऐसा प्रोसेस करें कि वो मैग्नेट ख़त्म अपनी प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म कर ले, अपने इफ़ेक्ट्स को ख़त्म कर ले, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीमैग्नेटाइजेशन। तो ये जो जुल्म कर रहे हैं हम जो ये सितम कर रहे हैं मैग्नेट के साथ कि हम कुछ ऐसा प्रोसेस करें कि वो मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टीज़ को खो ले और ख़त्म कर ले, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं डीमैग्नेटाइजेशन प्रोसेस। अच्छा, इसके जो है ना दो मेन मैंने यहाँ पे प्रोसेस वैसे और भी हैं, डीसी करंट और भी जो है ना मुख्तलिफ प्रोसेस हैं, पर ये जो सिंपल प्रोसेस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं द मेथड्स बाय विच वी मैग्नेटाइज अ परमानेंट मैग्नेट्स और अच्छा एक प्रोसेस है बाय हैमरिंग अ मैग्नेट। आप अगर कोई भी हैमर ले लें जो है ना, हथौड़ा ले लें और वो हैमर जो है ना आप किसी परमानेंट मैग्नेट को हिट कराएं, बार बार हिट कराएं, बार बार हिट कराएं, तो वो मैग्नेट ना अपनी इफ़ेक्ट्स को ख़त्म कर लेगा और कुछ टाइम के बाद जो है ना वो ऐसे ही कामनली बिहेव करेगा जैसे कि दूसरे मटीरियल से, वो जो है ना अट्रैक्ट नहीं करेगा, उसमें मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप इतना हैमर करेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को भी ख़त्म कर लेगा और वो इतना चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं करेगा जैसे पहले करता था। तो इस एक ये प्रोसेस है कि आप हैमरिंग करें किसी भी परमानेंट मैग्नेट को तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। अच्छा, दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बाय फायरिंग, ठीक है। बाय फायरिंग का मकसद क्या होता है, बाय फायरिंग का मकसद होता है कि किसी भी आप परमानेंट मैग्नेट को आप किसी फायर में रख लें, उसको टेम्परेचर दें, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर दें, तो टेम्परेचर देने के बाद जो है ना वो मैग्नेट अपनी इफ़ेक्ट्स को ख़त्म कर लेता है, अपने जो है ना इफ़ेक्ट्स सारे इफ़ेक्ट्स को ख़त्म कर लेता है, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं डीमैग्नेटाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। तो टेम्परेचर देने से मैग्नेट या उसको फायरिंग करने से वो परमानेंट मैग्नेट अपने इफ़ेक्ट्स को ख़त्म कर लेता है, तो ये भी एक प्रोसेस हो गया हमारा डीमैग्नेटाइजेशन। इस डीमैग्नेटाइजेशन के ऊपर और मैग्नेटाइजेशन के ऊपर एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था क्यूरी, उसने एक लॉ दिया था जिसको कहते हैं क्यूरीज लॉ, ठीक है। वो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के ऊपर है, पर वो हम जो है ना आगे स्टडी कर लेंगे क्यूरीज लॉज क्या है, ठीक है। CURIES ये एक साइंटिस्ट था जिसने एक लॉ दिया था इस मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के ऊपर, और जिसकी जो है ना क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों डेफिनेशंस मौजूद हैं, वो जो है ना हम आगे थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे। तो आज हमने ये स्टडी किया कि मैग्नेट है क्या, मैग्नेट के कौन कौन से टाइप्स मिल रहे हैं हमें, और जो है ना हमने ये स्टडी किया कि मैग्नेट बेसिकली है क्या। ये जो है ना मैं लास्ट भी आपको नोट्स ये शो करा रहा हूँ कि हमने ये स्टडी किया कि मैग्नेटिज्म बेसिकली है क्या, उसकी डेफिनेशन को स्टडी की, उसके इफ़ेक्ट्स को स्टडी की, और बाद में ये स्टडी किया कि मैग्नेट कहाँ पे फाउंड हुआ, और जब फाउंड हुआ या डिस्कवर हुआ तो उस मैग्नेट को किन शेप्स में जो है ना हमने डिवाइड किया हुआ है, बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, यू शेप्ड मैग्नेट, ये सारी चीज़ें जो है ना हमने स्टडी कर ली। और इनके बाद जो है ना हमने मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस स्टडी कर लिया कि किस तरह से जो है ना हम एक ऐसे मटेरियल को मैग्नेटाइज करें जो इटसेल्फ मैग्नेट ना हो, कुछ टाइम के लिए हम उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट शो करना चाह रहे होते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को हम मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। उसके तीन प्रोसेस हमने पढ़ लिए, सिंगल टच मेथड, डबल टच मेथड और इलेक्ट्रिकल मेथड। और इनके अलावा हमने ये देखा कि अगर परमानेंट मैग्नेट हो तो हम उसको डीमैग्नेटाइज करें यानी उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट्स ख़त्म कर लें, ये भी हमने स्टडी किया कि हैमरिंग और बाय फायरिंग यानी उसको टेम्परेचर बढ़ा लें तो वो जो है ना डीमैग्नेटाइज हो जाता है।
तो आज के लिए जस्ट यही लेक्चर मैं यहाँ पे फाइनलाइज़ करता हूँ। आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर लेक्चर नंबर 3 में हम जो है ना इसके और भी वेरियस टॉपिक्स स्टडी करेंगे मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म के इस चैप्टर के, और भी जो है ना बहुत बहुत सारे टॉपिक्स जो आपके सेमेस्टर से रिलेटेड होंगे वो जो है ना हम स्टडी कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस फर्दर मोर इन द नेक्स्ट लेक्चर लेक्चर नंबर 3। अल्लाह हाफिज़।